कुछ बताएंगे थर्मास्टेट वाल्व के बारे में, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहले इन्होंने तो खड़ी गाड़ी में 60 तक आ गई है ये, क्यों? और रेडिएटर का पानी और इंजन का पानी, ये देखते हैं 4-5 किलोमीटर जाते हैं आगे, ठीक है। रेडिएटर हो गया या इंजन के हवाले से हम 1000 किलोमीटर भी कर देना तो 1500 किलोमीटर भी कर देना। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे सीनो ट्रक। आज कोई फॉल्ट की वीडियो नहीं बनाने लगे, इसमें आपको ये बताना है कि थर्मास्टेट वाल निकालने से टेम्परेचर की गेज कहाँ पे रहती है और थर्मास्टेट वाल लगाने के बाद टेम्परेचर की गेज कहाँ तक जाती है। तो हमने इसका कैबिन उठा लिया है, ठीक है। तो अभी हम इंजन की तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे। इन्होंने पहले ही थर्मास्टेट वाल निकाला हुआ था, अभी जो है थर्मास्टेट वाल हम लगाने लगे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने पहले थर्मास्टेट वाल लगाया हुआ था तो वो भी बताएंगे आपको टेम्परेचर की गेज उस टाइम पे कहाँ पे रहती थी। तो इसको थर्मास्टेट वाल लगा के तो भी देखेंगे कि अब जो है इसकी टेम्परेचर की गेज कहाँ तक जाएगी, ठीक है। फुल आपको चेकिंग करवाएँगे। तो थर्मास्टेट वाल इन्होंने निकाला हुआ था तो गाड़ी इनकी ठंडी रहती थी, तकरीबन कोई 60 पे टेम्परेचर की गेज जो है ना 60 पे रहती थी। तो अब जो है हम इसको चेकिंग करेंगे, इसको लगा के क्या नाम है थर्मास्टेट वाल को, तो देखेंगे अब जो है ये कहाँ तक जाती है, ठीक है। क्या 80 और 70 के दरमियान में काम करना चाहिए। अभी लगा के गाड़ी की चेकिंग करेंगे, आपको साथ में दिखाएँगे तो ये कहाँ तक जाती है गेज थर्मास्टेट वाल लगाने से। अभी हमने इसको थर्मास्टेट वाल को फिट कर देना है, तो इसका जो ये आगे वाला स्प्रिंग वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ से करना होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगा देनी है। तो इसे मुकम्मल फिटिंग करके, ठीक है, तो इसके बोल्ट वगैरह हमने टाइट कर देने हैं, फिर इसको हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो साथ में आपको भी दिखाएंगे टेम्परेचर की गेज इसकी कहां तक जाती है। तो हमने अभी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, थर्मास्टेट वाल्व वगैरह लगा के पानी वगैरह पूरा करके, तो आपको टेम्परेचर की गेज भी दिखाते हैं। तो हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं तो हमने स्टार्ट किया गाड़ी को, तो ये देखें ये जो है 10 मिनट में ये ग्राउंड पर आ गई है, ठीक है। 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, तो ये देख सकते हैं, ये तकरीबन समझ लें कि 50 के ऊपर है, इसने यहाँ तक आ जाना है 80 तक, ठीक है। तो देखते हैं गाड़ी को आगे ले जाएंगे तो आपको साथ में दिखाएंगे। ये देखिए ये तकरीबन कोई समझ लें आप हो गए 20 मिनट समझ लें, ठीक है। तो अभी जो है 60 तक आ गई है, ठीक है। तो खड़ी गाड़ी में 60 तक आ गई है, ये क्यों आ गई है? अभी तक पानी इसका घुमा नहीं है, ये देख लें ये ऐसा ऐसा से ऊपर जा रही है। एक्सीलेटर दें, ये देखें ये ऐसा ऐसा से खुद ब खुद ऊपर जा रही है, और इसने तकरीबन ये 80 से नीचे ही रहना है इसमें। तो अभी तक इसका वाल खुला नहीं है, जब ये वाल खुल जाएगा तो इसकी जो पानी की सर्कुलेशन है वो घूमता रहेगा पानी इसमें, ठीक है। वाल जो खुलता है वो ऐसा ऐसा से खुलता है थर्मास्टेट वाल। तो अगर इसमें थर्मास्टेट वाल नहीं होता ना तो ये ऊपर इसने इतना तक नहीं जाना था इसने, ठीक है। तो ये नीचे ही रहती, अब जो है ये ऊपर जा रही है। तो ये हमने खड़ी गाड़ी में एक्सीलेटर दिया है इसको, ये देखिए अब ये 60 से ऊपर जा रही है। पहले जो है इसका थर्मास्टेट वाल नहीं लगा हुआ था तो ये 60 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाती थी, चलती गाड़ी में बिल्कुल 60 से ऊपर जाती ही नहीं थी। अब देखते हैं अगर थर्मास्टेट वाल इनके पास सेकेंड हैंड पड़ा हुआ था, पहले इन्होंने निकाल के गाड़ी का रखा हुआ था, तो उम्मीद तो काफ़ी है ये बिल्कुल सही होगा। तो अगर ये फॉल्टेड हुआ तो उसके साथ ये हो सकता है कि टेम्परेचर 80 से ऊपर शायद चला जाए, 100 तक भी जा सकता है अगर फॉल्टेड हुआ। अब देखें तकरीबन 65 हो गया, 65 कह सकते हैं कि 65 तक चली गई है। तो अगर ये 80 के और 60 के दरमियान में रहेगी तो समझ सकते हैं कि ये 70 है, ठीक है। 70 तो ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है,
और तकरीबन इसने 80 से थोड़ा बहुत नीचे ही रहना है। ये थर्मास्टेट वाल लाजमी होता है, क्योंकि इसके साथ ये होता है कि डीजल जो है ज़्यादा खाएगी, अगर इसमें थर्मास्टेट वाल नहीं होगा तो इंजन को भी नुकसान हो सकता है। तो इसकी जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह अलग से बनाऊंगा कि थर्मास्टेट वाल का काम क्या है और अगर थर्मास्टेट वाल निकाल दें उसके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आपको मैं इसका फंक्शन दिखा रहा हूँ, थर्मास्टेट वाल लगाने से क्या होता है और कितना टेम्परेचर जाता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। अब देखें ये ऊपर चली गई थी तो अब ये नीचे आ गई है थोड़ी सी। ये क्यों नीचे आई है ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूँ। पहले ये था कि पानी नहीं घूम रहा था, ठीक है, तो ये ऊपर चली गई थी, ठीक है, उस टाइम पे पानी रुका हुआ था और जैसे ही ऊपर गई है तो जैसे ही टेम्परेचर इसका पहुँचा है 70 पे तो उसी टाइम पर ये वाल खुल गया है। तो जैसे ही वाल खुला है और रेडिएटर का पानी और इंजन का पानी ये दोनों ही मिक्स हुए हैं, ठीक है, उसके दौरान तो जो रेडिएटर का पानी है वो ठंडा था और ये गर्म था, ठीक है, और ठंडे ने गर्म पानी को इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, जैसे वो गर्म पानी था। अभी चलेंगे तकरीबन कोई चार पाँच किलोमीटर जाएंगे आगे तो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। ये देखें ये ऊपर नीचे हो रही है। देखते हैं 4-5 किलोमीटर जाते हैं आगे। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि थर्मास्टेट वाल लगाने से कहां तक गेज जाती है, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि गर्मी नहीं है, ठीक है, तो गर्मी भी है। ये वीडियो मैंने जो बनाई है ये गर्मियों में बनाई है, ठीक है। तो अब जो है ये देखें कि कहाँ तक जाती है, मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मौसम भी गर्मी का है तो आप ये देख लें ये कहाँ तक जाती है। तो वैसे ये खाली गाड़ी है, लोड तो नहीं है। तो और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो कोशिश करूँगा तो आपको साथ में दिखाता चलूँ, मगर उसमें ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। आप देख सकते हैं कि 80 के करीब चली गई है। तो ये गाड़ी तकरीबन चली है वही 2 से 3 किलोमीटर, देखते हैं आगे जाते हैं। अब देखें तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर हो गए, तो आप देख सकते हैं ये 80 से नीचे ही है, ठीक है। तो अभी हम दुकान पे जाएंगे तो समय ले 5 से 6 किलोमीटर और सफ़र हो जाएगा वापस जाने पे। तो देखते हैं कहाँ तक रहती है। तो दोबारा से अभी आपको दिखाएंगे वापस दुकान पे जाके, ताकि इसका पता चल जाए, आपको भी पता चल सके कि थर्मास्टेट वाल का क्या काम होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा गेज की तरफ, ये देखें अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे। तो आपका जब भी इसका फॉल्ट हो जाए थर्मास्टेट वाल का, ठीक है, तो आप कोशिश किया करें इसे चेंज किया करें, ठीक है, ये ना किया करें कि इसको बिल्कुल निकाल दिया करें। तो फौरी तौर आप चला सकते हैं इससे बगैर, तो इसमें ये नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल निकाल दें, तो फौरी तौर चला के दोबारा इसको दूसरा डालें। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा बस 80 तक जाना है, ठीक है, तो इसने 80 से नीचे ही रहना है। तो अगर ज़्यादा चढ़ाई आ जाती है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ जाता है गाड़ी को, तो शायद 80 से थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, नहीं तो इसने 80 तक ही रहना है। अगर आपकी गाड़ी की सब चीज़ ठीक है, ठीक है, रेडिएटर हो गया या इंजन के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसने 80 से ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाना, ठीक है। चलते हैं देखते हैं ये कहाँ तक जाती है गेज, ठीक है। ये जी माशाल्लाह आ गए हम, ठीक है,
तो हमने समझ सकते हैं आपके 10 किलोमीटर हमने सफ़र किया था, तो 10 किलोमीटर में आप देख सकते हैं कि ये गेज कहाँ पे है, ठीक है। तो यही मैंने आपको दिखाना था, इसके बारे में बताना था कि इसका ये काम क्या है। अभी देख लें, हमने 10 किलोमीटर किया है, अगर हम 1000 किलोमीटर भी कर देना तो 1500 किलोमीटर भी कर देना ना, तब भी इसने इधर ही रहना है, 80 और 80 से थोड़ा सा नीचे, 70 पे 80 पे ऐसे ही रहना है। अगर ये बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ आ जाती हैं, जैसे उसमें भी अगर गाड़ी का रेडिएटर सही नहीं है, कोई ऐसा फॉल्ट है, तब जो है ना ये ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये 80 से हल्का सा शायद ऊपर चली जाए, 90 तक चली जाए, और 90 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर 90 से ऊपर चली गई, समझ सकते हैं आप इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो यही दिखाना था कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, पहले इन्होंने थर्मास्टेट वाल्व निकाला हुआ था, तो अब हमने थर्मास्टेट वाल्व डाल दिया है, तो इसका आपको दिखाना था कि इसका फंक्शन क्या है। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो और कोई पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।